हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट है, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज एक और क्लब फैक्ट्री की कंफ्यूज मिटाने वाली वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप क्लब फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट जब आप बुलवाते हैं और उसे आप वापस करते हैं और आप क्लब फैक्ट्री से डायरेक्ट पैसा वापस लेना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट चेंज भी नहीं करना चाहते हैं या क्वालिटी की मिस्टेक भी नहीं बताना चाहते हैं, केवल आप उस प्रोडक्ट को वापस कर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो कैसी क्या प्रोसेस रहेगी, इसके लिए क्या क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लब फैक्ट्री से जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और उसे वापस करते हैं, अपना पेमेंट लेने के लिए पूरा पेमेंट आपको मिलता नहीं। जैसे कि मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया, 90 या 99 रुपये आपका कटेगा आपका प्रोडक्ट का जो चार्ज रहेगा। तो ठीक है, ये क्लियर आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के अभी भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि यार भाई, जो पेमेंट होता है वो कितना मिलता है, कितना कटता है, जबकि मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं। शायद हो सकता है वो लोग नए हों जिन्होंने मेरी वीडियो अभी तक देखी नहीं हो क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड, तो उस लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि पेमेंट का वापस होने का प्रोसेस क्या रहता है। तो इसलिए मैं आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपका जो पेमेंट वापस लेने का है और कितना पेमेंट वापस होगा और डायरेक्ट पेमेंट वापस लेने की प्रोसेस क्या रहती है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए हमें थोड़ा स्टार्टिंग में जाना होगा, डिटेल में, और आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा स्टार्टिंग में चलते हैं। तो देखिए, जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जब प्रोडक्ट आपके घर आता है, तो आपके साथ 3 से 4 समस्या हो सकती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। पहली समस्या है कि आपका प्रोडक्ट का साइज है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया। वैसे क्लब फैक्ट्री में ये चीज़ होती नहीं, लेकिन बाय चांस हो सकती है। चलिए, पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने वाइट कलर का कोई प्रोडक्ट बुलवाया और आपके साथ हुआ ये है कि आपके पास आ चुका है रेड कलर का, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई क्लब फैक्ट्री के प्रोडक्ट की, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम आपकी ये रहेगी कि आपके जो मोबाइल या अदर कोई साइट से आप क्लब फैक्ट्री का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पर जो, जैसे कि अब ये जैकेट यहाँ पर साइनिंग दे रही है, लेकिन अगर आप इसे ओरिजिनल में देखेंगे तो हल्का सा कलर डिफरेंस होता है। तो कुछ लोगों का माइंड में ये सेट हो जाता है कि मुझे तो वही कलर चाहिए था, जबकि आप सभी जानते हैं कि स्क्रीन पर लाइट होती है और लाइट के कारण हर चीज़ चमकती है। तो ये प्रॉब्लम बनाकर कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट गड़बड़ हुआ है। चौथी प्रॉब्लम, जो कि फाइनली आपकी ये प्रॉब्लम रहेगी और इसी के जरिए आपको आपका पेमेंट वापस मिल सकता है, तो फाइनल प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं आई, डिस्प्ले पे कुछ और शो हो रहा था। वैसे आप डिस्प्ले पे ये अनुमान लगा सकते, बहुत कम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। अगर आप ज़्यादा पेमेंट वेस्ट करते हैं और प्रोडक्ट अच्छा मंगवाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके साथ हो सकता है, बहुत कम हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। ऐसे तो आप ऑफलाइन ही ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीदें, ऑनलाइन तो मैंने वैसे भी आपको सलाह दी है कि 1000 रुपये से कम वाला प्रोडक्ट आप कभी लेना ही नहीं। 1000 रुपये से ऊपर अगर आप खर्च करते हैं तो आपका प्रोडक्ट अच्छा आने में आपकी मदद हो सकती है। तो चलिए, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपको क्लब फैक्ट्री से डायरेक्ट पैसा वापस कैसे लेना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पैसा लेने के लिए, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसे चेक करते हैं और यार मुझे तो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कारण कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट वापस ही करना है और पैसे वापस लेना है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर उसे वापस करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपके साथ ऑप्शन आते हैं, क्या आपके साथ साइज़ का प्रॉब्लम हुआ है या कलर का प्रॉब्लम हुआ है या और जो भी आप समझ सकते हैं, वहाँ पर कुछ सारे ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको चूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप साइज़ का प्रॉब्लम बताएंगे तो आपसे साइज पूछेंगे कि आपका साइज क्या है, और उसी साइज़ का प्रोडक्ट आपको वापस भेज देंगे, आपका प्रोडक्ट का पैसा वापस नहीं मिलेगा। कलर के प्रॉब्लम बताते हैं तो आपसे आपका कलर वहाँ पर जो सजेशन रहेंगे वहाँ से आपको सिलेक्ट करने को दिया जाएगा। मान लीजिए कोई भी कलर हो तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा उस कलर का प्रोडक्ट वापस बुलवाने के लिए। तीसरी प्रॉब्लम यही है कि क्वालिटी, ठीक है। और अगर चौथी प्रॉब्लम आपके साथ ये हो रही है कि यार मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं और मुझे पैसा वापस लेना है क्लब फैक्ट्री से, तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अदर, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी। आप उसे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स में सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा अदर प्रॉब्लम, ठीक है। आपको अदर पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको पेमेंट रिफंड का भी एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट रिफंड पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपकी जो घर से प्रोडक्ट वापस जाने की
प्रोसेस चालू हो जाती है कि जो डिलीवरी बॉय होता है वही प्रोडक्ट वापस लेने आता है, या और कोई भी उनके जो प्रोडक्ट कैच करते हैं उसमें से कोई बंदा आता है आपका प्रोडक्ट ले जाता है। इसकी भी सारी प्रोसेस आपके क्लब फैक्ट्री के ऐप में स्टेटस के रूप में शो होती रहती है कि आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ पहुँचा है, ठीक है। सारी जानकारी आपको दी जाती है और आपका प्रोडक्ट वहाँ जब पहुँच जाता है ठीक 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट आपके क्लब फैक्ट्री के ऐप में आ जाता है। इसकी भी वीडियो मैंने बनाकर आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट वापस आता है तो आपका पेमेंट इतना मिलता है और उसे आप पेटीएम या अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम बतानी है पेमेंट वापस लेने के लिए, वो प्रॉब्लम आपको ये बतानी है कि भैया अदर प्रॉब्लम है हमारी तो हमें प्रोडक्ट वापस ही करना है और पेमेंट लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा पेमेंट पूरा नहीं मिलेगा, 90 या 99 रुपये आपका कटेगा, जो कि उनका डिलीवरी चार्ज कुछ भी वो आपको अपनी बता सकते हैं कि यार हमारा डिलीवरी चार्ज लगा है या पैकेजिंग चार्ज लगा है, ठीक है, शिपिंग चार्ज लगा है, जो भी चार्ज आपको बताएंगे वो भी आपको शो करेंगे कि यार इन इन कारण से आपका इतना पैसा कटा हो, ज़्यादा पैसा नहीं कटता है, 100 रुपये के अंदर ही अंदर आपका पेमेंट कटता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप प्रोडक्ट को वापस कीजिए कि आपको केवल अदर वाला पॉइंट चूज़ करना है अगर आपको पेमेंट वापस लेना है तो। तो फ्रेंड्स, अगर इस मेथड से आप अपने प्रोडक्ट की रिटर्न प्रोसेस करते हैं तो आपका पेमेंट बिल्कुल आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया वही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो जो प्रोडक्ट रिटर्न होने की प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही थी और पेमेंट कैसे लेना है क्या करना है सारी प्रोसेस आपको मैंने इस वीडियो में बता दी है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको मैं कमेंट के जरिए भी दे सकता हूँ। लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे पास, कमेंट कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे कि पेमेंट कैसे लेना है, क्या कारण बताना है, हमें वहाँ पर क्या दर्शाना है कि हमें हमारा पेमेंट वापस मिल जाए। तो इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाई है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, बाय।